ओम शांति। आज के बाबा के साकार मधुर महावाक्य हैं 21 अक्टूबर 2021 के। आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत नशे और गर्व की बात बताई कि हम बच्चों जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि हमारे पुकार से स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वह तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम उनसे बात करते हो। आज बाबा ने मुरली में हम बच्चों को प्रश्न पूछा, जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर दिया, उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती कि कैसे सबको रास्ता बताए, कैसे किसी का कल्याण करें। वह सर्विस के नए नए प्लान बनाते रहते हैं, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है, वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, पहला, जो बातें अपने काम की नहीं हैं उन्हें सुनने व बोलने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है, जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरा, सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। आज बाबा ने वरदान दिया, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। स्पष्टीकरण में बाबा ने डबल अहिंसक की दो निशानियां सुनाई, पहला, सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रहे सुख शांति की अनुभूति करना, यही सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो, तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसी की स्थिति को डगमग कर देते हैं तो यह भी हिंसा है। दूसरी बात, यदि अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। आज का स्लोगन है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।